अंटार्कटिका में मछलियों के सबसे बड़े प्रजनन स्थल और कॉलोनी की खोज की गई है। और सबसे हैरानी की बात है कि बर्फीले समंदर के अंदर मछलियों का ये प्रजनन स्थल बसा हुआ है। और मछलियों के 6 करोड़ घरों के इस कॉलोनी को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए और कुदरत के इस करिश्मे को हैरानी के साथ देखते रहे। अंटार्कटिका के बर्फ से ढके वेडेल सागर में 6 करोड़ मछली घरों की एक प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने वेडेल सागर में मछलियों के सबसे बड़े आइसफिश कॉलोनी की खोज की है और ये खोज वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक दुर्लभ खोज बताई जा रही है। अंटार्कटिका में खोज करने वाले वैज्ञानिकों को आइसफिश कॉलोनी में 6 करोड़ से ज़्यादा घर मिले हैं और आइसफिश कॉलोनी को दुनिया की सबसे बड़ी फिश कॉलोनी कहा गया है। वैज्ञानिक ये जानकर हैरान है कि आखिर उन्हें अभी भी समुद्र के नीचे की दुनिया में कितनी कम जानकारी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि समुद्र के नीचे बसी मछलियों की ये विशाल कॉलोनी नियोपैगेटॉप्सिस आइना यानी आइसफिश का घर है और मछलियाँ इतनी पारदर्शी हैं कि इनके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड और खोपड़ी को देखा जा सकता था। आपको बता दें कि आइसफिश एकमात्र ऐसी कशेरुकी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। इतने कम तापमान पर जीवित रहने के लिए इसने अपने पारदर्शी रक्त में एक एंटीफ्रीज प्रोटीन विकसित किया है जो बर्फ के क्रिस्टल को बढ़ने से रोकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के दक्षिणी वेडेल सागर में समुद्र तल से करीब 1.5 से 2.5 किलोमीटर ऊपर लगातार जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने समुद्र के अंदर मछलियों के इस कॉलोनी की खोज की है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2021 में जर्मन ध्रुवीय रिसर्च जहाज पोलर स्टर्न द्वारा प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई थी। रिसर्च करने वाली जहाज स्टर्न में एक कार के आकार की कैमरा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जो समुद्र के अंदर तस्वीरों को लेकर लगातार ऊपर जानकारियां भेजी जाती है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक करंट बायोलॉजी में प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मनी के अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च ने कहा कि वैज्ञानिकों की टीम लगातार 4 घंटों तक समुद्र के अंदर मछलियों के घोंसलों को देखते रहे और इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिखा। वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें एक के बाद एक मछलियों का घोंसला दिखाई देता रहा और इस दौरान वैज्ञानिकों ने करीब 3.7 मील की दूरी तय की। वेगेनर इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च और महासागर वैज्ञानिक ओटून पार्सर ने कहा कि वो पिछले 15 सालों से लगातार समुद्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन पिछले 15 सालों में उन्होंने ऐसा नज़ारा इससे पहले कभी नहीं देखा और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये काफ़ी अनोखा नज़ारा है। आपको बता दें कि समुद्र के अंदर की खोज के लिए वैज्ञानिक पाथमीट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो एक भारी भरकम कैमरा डिवाइस होता है जो पानी के अंदर की तस्वीरें खींचते हैं और समुद्र की गहराई में मौजूद घरों और घोंसलों की तस्वीरें लेता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि असल में उनकी दिलचस्पी लगातार इस क्षेत्र को लेकर रही है क्योंकि ऑफ वेलिंग की प्रक्रिया की वजह से चलने वाली हवा और धाराएँ ठंडे पानी को सतह की तरफ धकेलती हैं जिससे आसपास के क्षेत्र की तुलना में गर्म पानी की धाराओं का निर्माण होता है और गर्म पानी की उन धाराओं के सहारे मछलियां अपने लिए रास्तों का निर्माण करती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि मछलियों की ये कॉलोनी करीब 240 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैली हुई है और औसतन प्रत्येक 3 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक घोंसले के निर्माण किया गया है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कॉलोनी में लगभग 6 करोड़ सक्रिय घोंसले शामिल हैं। समान रूप से दूरी वाले प्रत्येक घोंसले लगभग 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच गहरे और 75 सेंटीमीटर व्यास वाले थे जिनमें औसतन 1735 अंडे थे। ज्यादातर घोंसलों को वयस्क मछलियों ने संरक्षित कर रखा था। कुछ घोंसलों में केवल अंडे दिखाई दिए हैं और कुछ घोंसलों का अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में जाना कि अंटार्कटिका में मिली मछलियों की सबसे बड़ी कॉलोनी बर्फीले समुद्र में मिले 6 करोड़ प्रजनन स्थल के बारे में, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जानकारीप्रद लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको जानकारीप्रद लगा है तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ऐसे ही छोटी मोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।